यस क्लास थर्ड। इससे पहले हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने पार्ट सात जो थे मैंने उसके आपको प्रश्न तक पूरे करवा दिए। अब आज हम पार्ट आठ शुरू करते हैं। इसका नाम है नगर पालिका। इससे पहले हमने ग्राम पंचायत वाला पार्ट पढ़ा था तो सेम वैसे ही नगर पालिका का पार्ट है। उसमें हमने पढ़ा था कि गाँव के अंदर किस तरह से शासन व्यवस्था चलती है, किस तरह से गाँव की समस्याओं को हल करने के लिए कौन सी संस्था काम करती है। सेम ऐसे ही गाँव की तरह जो नगर होते हैं, नगर मतलब शहर, वहाँ पे शासन व्यवस्था कैसी होती है, वहाँ पे लोगों की समस्याओं का या नगरों के विकास का, नगरों की भलाई के लिए कार्य जो होते हैं, काम जो होते हैं वो कौन करवाता है, कैसे करवाता है, ठीक है। ये है पेज नंबर 34 में नगर पालिका। पहले मैं इसको आपको रीड कर देती हूँ। पैराग्राफ जो है, नगर गाँव से बड़े होते हैं, गाँव छोटे होते हैं और जो नगर है मतलब शहर है वो गाँव से क्या होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं। नगरों की व्यवस्था जिस स्थानीय संस्था द्वारा की जाती है उसे नगर पालिका कहते हैं। जैसे गांव में कौन संभालता था, पूरा गांव का काम कौन करता था, ग्राम पंचायत। सेम ऐसे जो नगर होते हैं, नगरों के अंदर जो व्यवस्था करने का काम कौन करता है, नगर पालिका। नगर पालिका जो है वो नगरों के अंदर सारी व्यवस्थाएं देखने का काम करती है। नगर पालिका नगरों के विकास की व्यवस्था करती है। जैसे नगरों के अंदर विकास के लिए क्या करना है, सड़कें बनानी है, पार्क बनानी है और नालियां बनवानी है, सिविल का अंजाम करना है, पानी की व्यवस्था करनी है, बिजली की व्यवस्था करनी है, तो ये सारे जो विकास से संबंधित कार्य है ये कौन करता है, नगरों में नगर पालिका। यह बड़े नगरों में कार्य नगर निगम करता है। अगर कोई शहर नगर से भी बड़ा है, बहुत बड़ा शहर जो है वो बहुत बड़ा है, तो वहाँ पर नगर पालिका नहीं होती, वहाँ पर होता है नगर निगम। जैसे हमारा जयपुर, जयपुर बहुत बड़ा शहर इतना बहुत बड़ा है तो यहाँ पर नगर निगम है, समझ में आ गया। छोटे शहरों में नगर पालिका और बड़े शहरों में नगर निगम, ये सरकारी संस्था होती है जो नगर के विकास के लिए कार्य करती है। नगर पालिका का चुनाव 18 वर्ष के स्थानीय नागरिक मिलकर अपने मतों द्वारा करते हैं। इसके लिए नगरों को वार्डों में बांटा जाता है। वार्ड नगर की छोटी इकाई है। किसी भी नगर में अनेक वार्ड होते हैं। इन वार्डों में चुनाव होने पर सभासद चुने जाते हैं और महापौर भी बनते हैं जिन्हें नगर पालिका अध्यक्ष भी कहते हैं। नगर पालिका पूरे नगर में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करती है। अब क्या होता है, ये जो नगर है इसमें तो कौन सी संस्था काम करती है, नगर पालिका। ये नगर पालिका बनती कैसे, इस नगर में जो भी 18 साल से अधिक उम्र के लोग हैं, 18 साल से जो भी अधिक उम्र के जो महिला है, पुरुष जो भी 18 साल से जिनकी आयु ज्यादा है, वो सब मिल करके सबसे पहले तो नगर को छोटे छोटे वार्डों में बांटना चाहते हैं। पहले बांटना चाहता है छोटे छोटे वार्ड बनना करना होते हैं इसकी। ये क्या है, वार्ड। हर वार्ड से एक सदस्य चुना जाता है। हर वार्ड में एक वार्डन जो होता है, इस वार्ड का जो हेड है, मुखिया चुना जाता है। उसको चुनने के लिए उस वार्ड के 18 साल से अधिक उम्र के लोग चुनाव जो होते हैं उसमें अपना मत देते हैं। तो जिसको चुनते हैं, जो जीतता है वो इस वार्ड का मुखिया होता है। तो इस तरह से इस वार्ड से एक मुखिया, इस वार्ड से एक मुखिया, हर वार्ड से एक एक जो है सदस्य चुना जाता है और ये सारे सदस्य मिलकर के नगर पालिका में बैठ कर अपने अपने वार्ड के लिए विकास के लिए कार्य करते हैं। अपने अपने वार्ड में सड़कें बनवाते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं, बिजली की व्यवस्था करते हैं। ऐसे करके सभी मिलकर के अपने अपने वार्ड का जब विकास का कार्य करते हैं तो पूरे नगर के विकास का कार्य हो जाता है। और इन्हीं सभी सदस्यों में से एक जो है, इनका जो हेड है, एक जैसे मॉनिटर होता है विकास में, सेम वैसे ही इन सभी वार्ड के जो सभासद होते हैं इनमें से एक मुखिया बनाया जाता है जिसको महापौर कहते हैं। समझ में आया। तो इस तरह से नगरों के अंदर विकास के कार्य किए जाते हैं। नगर पालिका नगर में क्या क्या काम करती है, नगर पालिका जो है वो नगरों के अंदर सड़कें बनवाती है, उनकी साफ सफाई करवाने की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, प्रकाश यानी बिजली की व्यवस्था, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खुलवाती है, पशुओं और मनुष्यों दोनों के लिए इलाज के लिए अस्पताल खुलवाती है। नगर पालिका टूटी हुई जो सड़कें हैं उनकी मरम्मत करवाती है, नई सड़कें बनवाती है, बच्चों के लिए पार्क बनवाती है, वाचनालय मतलब कि लाइब्रेरी जहाँ पर पढ़ सकते हैं उसकी व्यवस्था करवाती है, रोशनी के लिए बिजली की व्यवस्था करती है। नगर पालिका के सभी विभागों के अलग अलग कर्मचारी होते हैं और अलग अलग लोग इससे जुड़े होते हैं। ये सभी अलग अलग लोग मिलकर के नगर के जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करते हैं। नगर पालिका की आय, अब सारा काम करने के लिए नगर पालिका को किसकी जरूरत होती है,
सारे काम करने के लिए पैसा या एक तो सरकार देती है, दो तरह से पैसा मिलता है, सरकार देती है कुछ पैसा तो, और इसके अलावा इस नगर में जितने भी लोग रह रहे हैं उन पर टैक्स लगाए जाते हैं जिनको कर भी कहते हैं। कर कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में कहते हैं टैक्स। सुना होगा आपने रोड पर टैक्स लगाया जाता है, पानी पर टैक्स लगाया जाता है, बिजली पर टैक्स लगाया जाता है, वो टैक्स जो है जनता देती है। ये सारा टैक्स जब इकट्ठा होता है यहाँ पे, जब लोग सभी जब टैक्स देते हैं, कर देते हैं, तो वो टैक्स जब इकट्ठा होता है उसी टैक्स से ये जनता की भलाई के काम करती है। तो इसलिए हमको टैक्स जरूर पे करना चाहिए, क्योंकि उसी टैक्स से हमारे लिए सड़कें, नालियाँ, ये सारी व्यवस्थाएँ की जाती है, अस्पताल खुलवाए जाते हैं, स्कूल खुलवाए जाते हैं, तो हमको टैक्स पे करना चाहिए। सरकार भी उनको कुछ पैसा देती है, तो दो तरह से उनको आय प्राप्त होती है। वाहनों के लिए जैसे हमारी जो गाड़ियाँ हैं, वाहन है ना हमारे, उन पर भी टैक्स लगाया जाता है, फिर ये जो टैक्स है सारा नगर पर ही खर्च कर दिया जाता है। इसलिए हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि हम नगर के विकास में सहायता करें, समय पर जो टैक्स है कर उसको जमा करवाएं, गंदगी नहीं फैलाएं, और जो भी सरकारी संपत्ति है, सरकार की जो संपत्ति है जैसे जो बिजली के पोल्स हैं, तार हैं, पार्क में जो पेड़ पौधे हैं, चेयर लगी होती हैं, बड़े बड़े डस्टबिन होते हैं बाहर, जो रोड है उन पर हमको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो ये हमारी हम लोगों का कर्तव्य है, हमको करना चाहिए। इस तरह से चैप्टर ही कंप्लीट हो गया नगर पालिका वाला चैप्टर। अब आप क्या करेंगे, आप इस चैप्टर को दोबारा से एक बार पढ़ेंगे ताकि आपको कोई भी